अंबिकापुर में प्रदेश अध्यक्ष के काफिले की पलटी गाड़ी, हादसे में एक की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बसना में शहीद मेजर के अंतिम विदाई, गगनदीप भारतीय सेना में थे चिकित्सक। बसना में एसपी ने की कार्रवाई, चार आरक्षकों को किया गया निलंबित। जांजगीर चांपा में चौथे दिन पंडाल में हवन, संविदा कर्मियों ने किया हवन कार्यक्रम। कोरिया में धर्मांतरण पर विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में आमजन रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले संविदा कर्मियों ने आंदोलन के चौथे दिन पंडाल में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे संविदा कर्मियों ने कुंभकर्णीय नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और हवन के बाद रायपुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली में शामिल होने की तैयारी में जुट गए हैं। को ये हड़ताल रखनी पड़ गई है और हमारा ये चार दिन का यहाँ कार्यक्रम था जिला पंचायत में, जो कचहरी चौक में चार दिन से चल रहा था। अब कल हम लोग सभी लोग मिल करके रायपुर में जा करके सोई हुई जनता, जो सरकार है, उसको हम जगाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज हमने हवन किया है और हमारे ये आशा है कि कहीं ना कहीं शायद हमारी सरकार सुनेगी और हमको निमित्तकरण करेगी। जांजगीर में प्रदर्शन किया गया, आज हमारा थीम था, हमने आज कुंभकर्ण के रूप में जो सरकार है उसको जगाने का भी प्रतीकात्मक प्रयास किया और सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन भी किया था ताकि सरकार को भी ये बुद्धि आए कि जन घोषणा पत्र में जो चुनावी वादे उन्होंने जो किए हैं और उनको आत्मसात भी किया है, उस वादे की याद दिलाने के लिए, उस वादे को याद दिलाने में वो सक्षम हुआ वादा पूरा करने में, इसी उद्देश्य से आज ये यज्ञ किया गया था। भाजपा 2023 की चुनावी रणनीति को लेकर बड़ी बैठक करने जा रही है, इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे थे तभी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के काफिले का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में एक की मौत हो गई और बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसमें चार लोग थे, उनमें से एक लोग तो ख़त्म हो गया है जी, और जो ड्राइवर था जी उसको भी मतलब कंधों में चोट लगी, उसकी हड्डी खिसक गई है जी, और इनका रामदेव और प्रदीप लोग इनको भी लगा हुआ है, मामूली चोट लगी हुई कमर में जी। मृतक कौन है सर? मृतक हमारा रविशंकर प्रसाद, इसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, वो तो ख़त्म ऑन स्पॉट ही ख़त्म हो गया था। अच्छा, घायलों को सर उपचार हो रहा है? घायल प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए भेज दिया गया है 108 में। बसना में सबूत मेजर गगनदीप सिंह भाटिया का झारखंड के रांची में सड़क हादसे में निधन हो गया था। आपको बता दें कि मेजर गगनदीप भारतीय सेना में चिकित्सक थे, उनके निधन की सूचना मिलने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इस घटना की खबर मिलते ही स्थानीय बसना विधायक ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है, साथ ही सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। बहुत ही व्यवहार कुशल एक अच्छे क्लिनिशियन थे जो कि हमेशा फौज के काम के लिए और लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते थे और कल उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है जिसका मैं बहुत ही दुखद दुख है। आर्मी ने, इंडियन आर्मी तौर पे ये बहुत परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरे बसने के लिए और पुरानी क्षति हुई है। ये आकस्मिक घटना हम सबको झंझकोर कर रखती है, इस घटना ने हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम निःशब्द और स्तब्ध हैं कि इतनी बड़ी घटना एकदम जो हो गई है और बसना
के जो लोगों ने इसको मतलब जो है अपने दुख में शामिल किया है और पूरा पसना स्वस्फूर्त आज इसमें मतलब शामिल होने आया है। इनके परिवार का जो कोरिया में अवैध धर्मांतरण का विरोध करने वाले पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ है। भूपेश सरकार की मंशा के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका कार्यालय के पास विशाल आम जनसभा का आयोजन भी किया गया। नगर पालिका कार्यालय के सामने मैदान में आयोजित सभा में हजारों की संख्या में आमजन वहां पर मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल रजवाड़ी द्वारा की गई बयानबाजी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। बनाया और हमारे पास ओरिजिनल वीडियो आया, हमने ओरिजिनल और इनके बनाए हुए वीडियो को पूरे सोशल मीडिया में हमने चलाया और गांव-गांव तक एक एक बूथ तक हमारे कार्यकर्ताओं तक असली और नकली वीडियो पहुंचा। लोगों में आक्रोश था और उस आक्रोश को लेके हमने एक शिकायत दर्ज कराया कि ऐसे कथाकथित लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके कार्रवाई किया जाना चाहिए। जब चार रोज हो गया कार्रवाई नहीं हुई तो हमने आह्वान किया कि हम आम सभा करेंगे और विधायक निवास को घेरेंगे। अपने नेता के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भैयालाल जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया है। एक एक किया गया था जिसमें आम सभा जो नगर पालिका परिसर में किया गया और पुलिस के द्वारा जो विधायक निवास की तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं उसमें चार से पाँच जगह पर हमने बैरिकेड लगाकर वहाँ पर पुख्ता प्रबंध किया था जिससे कि सभी जो भी प्रदर्शनकारी है उनको रोका जा सके। और जब घड़ी चौक पर वो लोग विधायक निवास की तरफ बढ़ रहे थे तो वहाँ पर उनको रोका गया और रोकने में पुलिस सफल रही और उसके बाद फिर उन्होंने ज्ञापन लगा करके एक फेक वीडियो बना करके खाली को साली बना करके आरोप लगाए, पुतला दहन किए, मेरा अस्थि निकाले, जूता चप्पल से मेरे को पिटाई किए, उसी का है परिणाम। और क्या जनता के बीच ये खबर गया, सच्चाई था कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उस वीडियो को भी सुना, अश्लील को भी और सही को भी, दोनों को सुनने के बाद जनता ने आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आया। शिकायत भी आपने दर्ज कराई थाने में शिकायत दर्ज कराए कि इसका जांच करो। सरायपाली में पुलिस की पहल से खोए हुए बच्चे को मिलाया गया है। थाना प्रभारी आशीष वासनी और उनकी टीम ने मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि बिछड़े हुए नाबालिग बच्चे को उसके परिजनों से मिलवाया है। बच्चे को पाकर परिजन बहुत ही खुश हुए और साथ ही थाने की पूरी टीम को धन्यवाद भी दिया। कुमार बोल के दिनांक 16 जनवरी को यहाँ सरायपाली में घूमते हुए मिला, जिसका उम्र 14 साल, जिसको थाना प्रभारी महोदय आशीष वासनिक साहब के निर्देश पर थाना लाया गया और अपना पुलिस परिवार के साथ उनको 3 दिन तक खाना, चाय, नाश्ता, गर्म कपड़ा उसको पहना के अपने पास रखा गया था और बिल्कुल पुलिस परिवार के साथ। पामगढ़ में सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवैध रेत परिवहन पर कार्यवाही की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 14 ट्रैक्टर समेत कई जरूरी सामान भी बरामद किए हैं। वहीं मौके पर माउंटेन का पंचनामा कर कार्यवाही की है। इन सभी वाहनों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। विभाग की इस कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस रेत खदान में दबिश दी है और उसमें हमको 2 ट्रैक्टर जो है हमने जब्त किया था, ठीक उसी प्रकार से आज सुबह हमको सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रेत उत्खनन के संबंध में, तो आज हमारे द्वारा जो है खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एक चैन माउंटेन और 4 हाईवा वाहन और 10 ट्रैक्टर वाहन पर हमने कार्रवाई की गई है। वाहन किनका है बता सकते हैं? जी देखिए, अभी तो कुछ वाहनों के जो ड्राइवर हैं वो मौके से फरार हैं, जिसको हमारे द्वारा जो है
पामगढ़ में कैप्सूल वाहन और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्राली कई भागों में बट गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल घटना के बाद दोनों वाहनों के वाहन चालक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी संख्या वहां पर भीड़ जुट गई है। महासमुंद एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी ने 4 आरक्षकों को निलंबित किया है। आपको बता दें कि थाना में पदस्थ आरक्षक को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है। पामगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई है। फाइनल मुकाबले की इस स्पर्धा में बिलासपुर केजीएफ की टीम विजेता रही है। विजेता टीम को आयोजक और मुख्य अतिथि के हाथों से चमचमाती ट्रॉफी के साथ लाखों की नगद राशि भी दी गई है। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि टीम के साथ मौजूद रहे। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न कराई गई है। वहां पर कई लोग उपस्थित थे। केजीएफ की टीम को जीत मिली है, जिसे उन्हें गोल्ड की चमचमाती ट्रॉफी भी दी गई है। अंबिकापुर में शाला प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बच्चों के परिजन भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि आदिवासी बाहुल्य इलाका मैनपाट के कई स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, जिसमें पढ़ाई में बाधा आ रही है। यहां पर 2 शिक्षकों के भरोसे 91 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर बैठक में शिक्षक की मांग को लेकर आवेदन बनाया गया, जिसमें कई विषयों की पढ़ाई के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जल्द जल्द शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की गुहार लगाई गई है। टीचर की समस्या है हमारे यहाँ जी। अभी कितने टीचर हैं हमारे यहाँ? 2 टीचर है। दो टीचर है। हाँ, तो आप लोग दो जने के भरोसे आप लोग का पढ़ाई तो अच्छे से नहीं हो पाता होगा? नहीं हो पाता है। तो आप लोग को क्या, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग टीचर चाहते हैं। आज माध्यमिक शाला स्कूल में SMC बैठक था जी, इसमें शिक्षक लोग द्वारा बुलाया गया था हम लोग को जी। तो आज यहाँ हम लोग आए तो देखे कि 91 बच्चे दर्ज हैं यहाँ मिडिल स्कूल में और शिक्षक 2 ही हैं। तो इसमें पूर्ण रूप से सब विषय का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, इसमें बच्चों को दिक्कत जा रहा है। इसलिए हम लोग जितने भी पालक लोग आए थे उसमें से सब हम लोग SMC से बैठक में एक आवेदन जो देना चाह रहे हैं BO साहब को, DO को, कि यहाँ शिक्षक का कमी है उसको पूरा किया जाए, जिसमें बच्चों का पढ़ाई पूर्ण रूप से हो पाए। हम लोग बच्चों के अभिभावकों को शाला प्रबंधन समिति का जब मीटिंग बैठक रखा गया था, उसमें बच्चों के माता पिता या जो घर में जो भी सदस्य हैं, पालक हैं, उन लोग को बुलाया गया था तथा शासन के निर्देशानुसार SMC की तृतीय बैठक लिया गया। उसमें से प्रमुख मुद्दा था कि यहाँ 10 संख्या 91 छठी से 8 तक जी, उसमें से 2 टीचर हैं जी, और एक टीचर थे वो ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले गए जी, जी। इसके तहत पूर्ण विषय की पढ़ाई नहीं हो पाती है एक दिन में सभी विषय, इसीलिए अभिभावकों को हम लोग बताया गया कि टीचर की मांग क्या। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।